इस प्यार को क्या तुमने बैग को? अरे हाँ, टमाटरों की वजह से इसकी हालत बुरी हो गई थी, इसलिए हमने इसे धो डाला, मतलब धो दिया। क्यों? तुमने यू वॉश्ड इट? हाँ, दाग निकालने के लिए, लेकिन ये भी वैसा ही है। याद है एक बार हमने आपके दफ्तर में एक फर वाला कोट धोया था, ये भी उसी की तरह खराब हो गया। हमें समझ में नहीं आता कि इतनी महंगी चीजें इतनी जल्दी खराब क्यों हो जाती। बैग को भूल जाओ। सुनने, न्यू ईयर पे ऐसी लाइटिंग की थी तो मुझे लगा कि तुम्हें ये लाइट्स पसंद होंगी। आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं? कहना ना, आज तुम्हारा बर्थडे है तो? है तो नहीं, है, हमारा जन्मदिन है। तो केक काटो। कहने वाला था मैं, कट द केक। क्या? क्यों? क्यों मतलब? तुम्हारा बर्थडे है इसलिए। Cut the cake. What are you waiting for? हवा बहुत तेज चल रही है, जल्दी से कैंडल ब्लो करो और जो मांगना मांग लो। हमें कोई केक वेक नहीं काटना। केक नहीं काटना है, एटलीस्ट कैंडल तो बुझाओ। डैमिट, हमने कहा ना हमें कुछ नहीं करना। तुम्हारा बर्थडे है खुशी। हाँ, हमारा जन्मदिन, इसलिए आप हमें कुछ भी करने को मजबूर नहीं कर सकते। ना हम केक काटेंगे, ना हम मोमबत्ती बुझाएंगे और ना हम कुछ खाएंगे। और जबरदस्ती करने की इजाजत भी नहीं है आपको, क्योंकि आज हमारा जन्मदिन है, आपका नहीं।
खुशी मैं ये लास्ट टाइम कर रहा हूँ, कम हियर राइट नाउ। आपने सुना नहीं, हमें कुछ नहीं करना, आज के दिन भी लॉर्ड गवर्नर बने रहेंगे। स्टॉप हियर राइट नाउ। ये सब प्रिपरेशंस मैंने किए, जल्दी से कैनल बुझाओ और केक काटो। डू इज ऐसे। खुशी, ब्लो द कैनल। आप हमारा जन्मदिन मना रहे या हमें धमकी दे रहे? लो, आपकी मोमबत्ती बुझ भी गई। ठीक है। देखिए, इस वक्त हमारे हाथ में चाकू मत दीजिए। हमारा माथा इतना गर्म है कि हम इसका कोई भी इस्तेमाल कर सकते। छोटे, क्या बोल रही हो? अपने आप से वादा कर रहे कि आपके जन्मदिन पे हम आपके मुंह में ढेर सारी मिठाइयां ठूसेंगे, लेकिन उससे पहले हम एसी बंद करेंगे और मच्छर छाप अगरबत्ती जलाएंगे ताकि आपकी आवाज चली जाए। और किस चीज से चिढ़ते आप? आपको इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं है ना कि इस तरह जबरदस्ती किसी का जन्मदिन नहीं मनाया जा सकता? इस तरह तमाशा करके, तोहफे देके, केक कटवा के, ये सब हमें खुश नहीं करता। नहीं चाहिए हमें ये सब, नहीं चाहिए हमें ये सब बिना मतलब की बनावटी चीजें। हमें कुछ ऐसा चाहिए था जो हमें हमेशा याद रहे, कुछ ज्यादा, कुछ ऐसा जिसमें अपनापन, बस एक सादी सी जन्मदिन की मुबारकबाद जिससे हम खुश होते। लेकिन आपको इस सब बातों की कोई समझ नहीं। आप तो अर्नब सिंह रायजादा, जन्मदिन मुबारक हो जैसे मामूली शब्द आपके मुंह से कैसे निकल सकते? उसमें कोई शान नहीं है। अच्छा है, आपके 2 लाख के बैग के लिए शुक्रिया, इस केक के लिए शुक्रिया, इस पूरे सजावट के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद किया? नहीं, मैंने पसंद नहीं किया। ये कि आप ही ने दिया है? लग तो नहीं रहा। अर्नब जी ने दी को खुश देखने के लिए ऐसा किया और दी को बहुत अच्छा लगा। सिर्फ किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए उन्होंने ऐसा किया और हमें बुरा कैसे लग सकता है? इस प्यार